जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ, अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है, मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों, खबर ये है कि जो ट्विटर है, आप सब जानते हैं ट्विटर क्या चीज़ है। एक सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस पर लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी बात रखते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर भी सरकार को टैग करके या जो भी उनकी बात होती है वो ट्विटर के माध्यम से आसानी से पोस्ट कर देते हैं। इसका जो प्रयोग होता है अक्सर जानकारियां पहुंचाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात यहीं से आती है कि किस प्रकार से इसका भारत में इस्तेमाल होता है और भारत में इसको लेकर क्या कुछ पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं। आज एक खबर भारत में खूब तेज़ी से फैल रही है और वो खबर ये है कि जो ट्विटर के को फाउंडर रहे जैक डॉर्सी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि जब भारत के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था तो भारत सरकार ने हमें ये कहा कि अगर किसानों की आवाज़ ट्विटर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा। ये भारत सरकार ने ट्विटर के को फाउंडर यानी उनकी टीम को कहा। और इसके साथ ये भी कहा गया है, जो उन्होंने कहा है कि जो हमारी टीम इंडिया में काम करती थी, ट्विटर की जो टीम थी, उसको जेलों में डाल दिया जाएगा और उनके घरों पर छापे मार दिए जाएंगे, उनके दफ्तरों में छापे मार दिए जाएंगे। इस प्रकार से जो किसान आंदोलन की आवाज़ थी उसको दबाने का प्रयास किया गया। इन्होंने इसके साथ साथ ही ये भी कहा कि एक बड़े लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की बात सामने आई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तत्कालीन आईटी मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद, उनका भी बयान सामने आया है, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। सुप्रिय श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। डॉर्सी हैं ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर, और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसानों को दिखाया तो ट्विटर के दफ्तरों पर और उनके कर्मचारियों के घर पे छापा पड़ेगा और भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सच की भी एक खासियत होती है और सच की खासियत यह है कि जितनी शिद्दत से उसको दबाया जाता है उतनी तेजी से वो बाहर आता है। और एक बार फिर मोदी सरकार के काले कारनामे, उनसे जुड़ा हुआ सच बाहर आ चुका है। आज का जो टॉपिक है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था, साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई, और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं, यह मई 2021 की बात है, किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था,
और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की आईटी सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने, उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है। और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था। और आज वो असलियत सामने आ रही है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसको भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था और 24 मई 2021 को ट्विटर के ऑफिसेस पर छापा पड़ा, ट्विटर के एम्प्लॉयज के घर पर छापा पड़ा। और ये अब समझ में आता है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। मैं आपके साथ एक और डेटा साझा करूंगी, लेकिन उसके पहले एक ही सवाल है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? इस देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार, एक 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है। इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फेहरिस्त है मेरे सामने, जिसमें मैं लगातार बता सकती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई, क्योंकि वो सच दिखा रहे थे। अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उनको रेड किया गया और ये चुप कराने की साजिशें रची गई। लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था यह हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था, और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है, हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं फेसबुक से, यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ, अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे, और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए, कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था, तो ये सब काम नहीं किया। और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, आप सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है, भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी, ऐसी कोई बात? मैंने पहले कहा गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई से आप मत आगे बढ़ाइए तो गलत क्या है? उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में माने हम लोग की बात। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको ट्विटर पर उनकी आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी, उस पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपको सुनवाई करना पड़ेगा, नियम बनाया, उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, बाद में किया।
ये सच्चाई है। कांग्रेस टाइमिंग पर क्या लगता है, जो